वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आटे की मदद से बनने वाली चॉकलेट स्पॉन्ज केक रेसिपी। अच्छे से रेसिपी को जान के घर में ट्राई करने के लिए पूरा रेसिपी एंजॉय कीजिए। इधर मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर की जार, जिसमें मैं एक एक करके सारी इंग्रेडिएंट्स ले लूँगी। पहले ही मैंने ले लिया है एक अंडा, क्योंकि हमें चॉकलेट केक बनाना है इसलिए मैं ले रही हूँ 2 बड़ी चम्मच कोको पाउडर। अगर आप स्ट्रॉबेरी या कोई अलग फ्लेवर की केक बना रहे हो उस हिसाब से एसेंस चूज कर लीजिए। इधर मैंने ले लिया है 2 बड़ी चम्मच वाइट ऑयल, इस जगह पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो। ऐड कर रही हूँ 3 से 4 बड़ी चम्मच शक्कर और अच्छे से 2 मिनट तक हाई स्पीड में हमें ब्लेंड कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्ट और क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश में लिख दूंगी, आप लोग चाहो तो उधर से जाके सर्च कर सकते हो। देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब एक एक करके आगे की सारी इंग्रेडिएंट्स हम ले लेंगे। 1 बड़ी कप जितना मैं ऐड कर रही हूँ आटा, क्योंकि हम बच्चों को मैदे का ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा रेसिपीज नहीं दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो आटे की केक बनाइए और उनको आराम से खिलाइए। इधर मैं ऐड कर रही हूँ 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, इस जगह पे आप एक इनो का पैकेट का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, ज़्यादा मैदा खाना पसंद नहीं करते हो, ये रेसिपी उन लोगों के लिए है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी जिस कप का मैंने आटा ले लिया है उसी कप का 3/4 यानी 3/4 ही ले लेंगे हम मिल्क। अब फिर से मीडियम स्पीड में 1 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे। अभी हम इस बैटर को शिफ्ट करेंगे एक बोल में और अच्छे से राउंड करते हुए मिलाते जाएंगे। इस बोल पे जो वाइट कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है ये और कुछ नहीं है, मिक्सर ग्राइंडर में जितना भी बैटर लग गया था थोड़ा सा दूध की मदद से एक बार घुमा के मैंने वो बैटर ले लिया है। बहुत ज़्यादा एक हेल्दी रेसिपी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी फेसबुक और ट्विटर की लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। इससे पहले भी बेक रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ मैं मेरी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, सब रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके आप सर्च कर लीजिए। वीडियो जब चल रहा होगा वीडियो स्क्रीन के नीचे आपको मेरी चैनल की नाम दिखाई दिया जाएगा, उस नाम पर क्लिक करके आप मेरी अब तक की अपलोड की हुई सारी वीडियोज़ को एंजॉय कर लो। अभी मैं ले लूँगी एक केक मोल्ड, आपके पास इस तरह का केक मोल्ड नहीं है तो कोई सा भी एल्युमिनियम और स्टील का बोल ले लीजिए। थोड़ा सा ऑयल ब्रश करूँगी, अगर बटर पेपर है तो कट करके बटर पेपर दे दीजिए, नहीं है कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सा एक पेपर वाइट पेपर दे दीजिए और उसके ऊपर अच्छे से ऑयल ब्रश कर दीजिए, बटर पेपर रेडी हो जाएगा। अब हम केक में ऐड करेंगे, केक मोल्ड में जो बैटर हमने बना के रखे हैं वो हम ऐड कर देंगे। मैं हर रोज़ एक नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर सकूँ, अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को एज अ गिफ्ट दे सकूँ, इसीलिए प्लीज़ रोज़ आइएगा, एक बार विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल को और अभी जाके मेरी चैनल को फिर से विज़िट कीजिए और मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर लीजिए। अभी हमें गैस ऑन करके एक कढ़ाई दे दिया है, थोड़ा सा सैंड स्प्रेड कर दिया है, बालू एक स्टैंड देके हमें प्री हीट करना है मीडियम हीट पे 5 मिनट तक। प्री हीट हो जाने के बाद हम केक की मोल्ड को इसमें शिफ्ट करेंगे और अच्छा सा एक लीड दे देंगे, एयर टाइट एक लीड, और कुक करना है 30-35 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पे। बीच में एक बार जब सेमी कुक हो जाएगा हम उठा के थोड़ा एलमंड क्रश करके दे देंगे, इस जगह पे आप किशमिश काजू कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स टूटी फ्रूटी चॉकलेट चिप्स इस सब का यूज़ कर सकते हो। अभी हम ढक के बाकी रेस्ट मिनट कुक कर लेंगे। एकदम 30 मिनट्स बाद हम दिखा रहे हैं
केक का कंडीशन क्या है, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि आर्टिक के केक ज़्यादा फूलता नहीं है, आप देखिए अच्छी तरह से एकदम इंग्रेडिएंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ठीक तरह से बनाएं तो आटे का केक भी अच्छे से फूल जाता है। अभी हमें इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम केक को कट कर लेंगे। कितना परफेक्ट बना है, सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी बना है, आप देख ही सकते हो। घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को दीजिए, ज़्यादा करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन करके आटे से बनाया हुआ है, आप आसानी से उन्हें सर्व कर सकते हो। अगर आप आज पहली बार विज़िट कर रहे हो मेरे चैनल पे, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना करके जाइए नहीं, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमें अप्रिशिएट करता है। तो आज चलती हूँ, कल फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय दोस्तों।